बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं कि अपना वोट जाया ना करे। ये वोट की ताकत कायदे अवाम ने आपको दिया था। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम पाकिस्तान के अवाम को इस महंगाई से बचाना चाहते हैं, इस गुर्बत से बचाना चाहते हैं, इस बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं। बाकी सियासी जमाते के पास कोई मंशूर नहीं है। हमारा मंशूर कायदे अवाम ने हमें दिया, हमारा नजरिया शहीद मोहतरमा ने हमें दी, और अब इस इलेक्शन में हमने ऐसे ऐसे अवामी मुआशी मुआहदा लेकर आए हैं। आपने पाकिस्तान के नौजवानों को समझाना है कि अपना वोट जाया ना करे। ये वोट की ताकत कायदे अवाम ने आपको दिया था। ये वोट का ताकत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल करके आमरियत को खत्म करके आपको ये वोट मिला है। अब ये वोट आप सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आपने जज्बात में आके जुनून में आके जाया करना है अपना वोट, तो फिर बाकी काफी ऑप्शंस है। हमने इंशाल्लाह इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराने सियासत को दफन करके एक नया सियासत लेकर आना है, एक नई सोच लेकर आना है, और इस नई सोच और नई सियासत से हम पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर आपने हमारे साथ दिया तो जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी।